चार आज हम मौजूद हैं दिल्ली में और हम तरीके से जो एनसीईआरटी में बदलाव किए गए हैं उस पर जो अखिल भारतीय तरीके से इस चीज को देखती है और जो विपक्ष इस मामले में अपनी बातें रख रहा है उस देखते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष छत्री जी जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री हैं। जो सरकार या एनसीईआरटी के द्वारा जिस तरीके के बदलाव किए गए हैं इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो बदलाव है ये ऐसे बदलाव नहीं है जो एक रात में किसी के मन में विचार आया और कर लिए गए। इन बदलावों को लाने के लिए बहुत गहन चिंतन होता है। छात्र जीवन में किस प्रकार से पाठ्यक्रम की रचना होनी चाहिए उस चिंतन के बाद ऐसे बदलाव आते हैं। सभी बदलाव वह बहुत ही सकारात्मक बदलाव है, चाहे वह पाठ्यक्रम को रैशनलाइज करने की बात हो, बस्ते के बोझ को कम करने की बात हो, चाहे वह अपने महान स्वतंत्रता सेनानी स्वातंत्र्य वीर दामोदर सावरकर जी को इंक्लूड करने की बात हो, चाहे वो कुछ ऐसे विभाजनकारी तंत्र जो रहे हैं उनको हटाने की बात हो, सभी बहुत ही सकारात्मक बदलाव हैं। और एक विद्यार्थी होने के नाते, एक विद्यार्थी परिषद संगठन का कार्यकर्ता होने के नाते इन सभी जो बदलाव हैं उनका हम स्वागत करते हैं। सर, जिस तरीके के जैसे कि साइंस के अंदर डार्विन थ्योरी हो गई, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जैसे चैप्टर्स भी हटाए गए हैं, लेकिन विपक्ष के द्वारा पॉलिटिक्स से संबंधित मुद्दे हैं उनको उठाया जा रहा है, इतिहास से संबंधित मुद्दों को उठाया जा रहा है, तो क्या कोशिश आपकी तरफ से रखी जा रही है? तो मैं थोड़ा सा रेक्टिफाई करना चाहूंगा। ये सभी विषय जिनकी आपने चर्चा करी, इन विषयों में किसी भी विषय को पूर्णतः हटाया नहीं गया है। जैसे मैंने पहले बताया कि रैशनलाइज किया जा रहा है सिलेबस को, करिकुलम को, जिससे कि जो बोझ है एक छात्र पे पड़ता है उस बोझ को कम किया जा सके। कोविड काल में हमने देखा किस प्रकार से जो सिलेबस है उसमें ऑमिशन की आवश्यकता पड़ी। उस ऑमिशन के बाद अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति और हम अग्रसर हैं, प्रैक्टिकल जो नॉलेज एजुकेशन है रेलेवेंस दे रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए जा रहे हैं। और ये जो आपने विषय उठाया कि कैसे ये सभी लोग अपने कुछ बदलावों को लेकर ढफलियाँ बजा रहे हैं या कुछ बदलावों को लेकर तालियां पीट रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, इन सभी जो लोग हैं ये सभी वह लोग हैं जो कहीं ना कहीं भारत को, इनकी परिकल्पना में भारत एक राष्ट्र नहीं है। ये चाहते हैं कि छात्रों ने जो मार्क्सवाद, जो मैकॉले की नीति पढ़ी है, जो मैकॉले की शिक्षा का जो मॉडल था उसके बोझ तले वैसे ही दबते रहे, तो ऐसा अब नहीं होगा। ये जो भारत है विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, तो हमारे यहाँ के विद्यार्थी वही शिक्षा पढ़ेंगे जो शिक्षा उनको अपने स्वावलंबी होने के लिए अग्रसर करती है, वह शिक्षा जो उनको अपने महान स्वतंत्रता सेनानियों को बताती है, वह शिक्षा। देखिए, बार बार जो बदलाव की बात हो रही है ना, कुछ जैसे हमारे प्रदेश मंत्री दिल्ली ने कहा कि कुछ सिलेबस कम करने का प्रयास हुआ है, ये बदलाव नहीं है, बदलाव होना तो बहुत बाकी है अभी। और एनसीईआरटी कोई भी चीज़ को परिवर्तन करती है तो उनके यहाँ एक्सपर्ट कमेटी का पहले राय लेना पड़ता है। शायद विपक्ष के लोगों को कुछ अध्ययन की आवश्यकता, मुद्दे पे पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत मुद्दे हैं, शिक्षा विषय में चिंता करनी चाहिए, सजेशन देना चाहिए। एनसीईआरटी हो, एनईपी है, सजेशन के लिए विंडो कई महीनों तक खोल रखा था कि आप सजेशन कर दीजिए, आपके सुझाव सबके आमंत्रित थे, देश भर के लोगों ने सुझाव प्रेषित भी किया एनसीईआरटी को, एनईपी को। विपक्ष के सामने क्या है कि आज तक देश के अंदर में जो गलत इतिहास पढ़ाने का परंपरा स्थापित हुआ, कई लोगों ने गलत इतिहास लिख करके अलग अलग प्रकार का जो पुरस्कार प्राप्त किया है इस देश के अंदर में, खतरा आज उनको है कि आज का जागरूक नौजवान सवाल खड़ा कर रहा है कि देश का वास्तविक नायक कौन है। और जब वास्तविक नायक की पहचान उसको महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, राजेंद्र चोल इत्यादि जैसे लोग मिल रहे हैं, जनजाति नायक में आप देखेंगे भगवान बिरसा मुंडा जी से भील सरदार मिल रहे हैं, दुर्गावती जी मिल रही हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मिल रही हैं, तो अब तक जिन लोगों ने गलत इतिहास, जिनकी राजनीति, जिनके इतिहास रक्त रंजित भारत के अंदर में रखा, उस काल को, मुगल काल को एक भारत के अंदर में महानतम राजा के रूप में, शासक के रूप में स्थापित करने का प्रयास हुआ, खतरा इसलिए लोग परेशान हैं कि जिन लोगों ने गलत इतिहास प्रस्तुत किया, वर्तमान समय का नौजवान वास्तविक इतिहास से रूबरू हो रहा है, तब फर्जीफिकेशन का जो ब्यूटिफिकेशन है वो अब सामने एक्सपोज हो जाएगा, इसलिए लोग के अंदर में दहशत इसलिए है।
बाकी इनको सिलेबस से कोई चिंता इनको भी नहीं है, चिंता होती तो सुझाव के समय में खुद भी, आप बताओ ना कौन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है एबीवीपी के अलावे जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को जाकर के अपना सुझाव प्रेषित कर रही है, कौन ऐसे? आज जिन पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं उन पार्टी का मैनिफेस्टो हमने एजुकेशन के ऊपर में देखा है, हमने देखा है आज इस देश के अंदर में रेवरी कल्चर, इस देश के अंदर में एक वोट बैंक पॉलिटिक्स लाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी शिक्षा के बारे में कितना कॉन्शस है उनका। इसलिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है अपनी राजनीतिक दुकानदारी को बंद होते हुए देख करके तिलमिलाहट में कुछ भी लोग बोल रहे हैं, बार बार जो बोल रहे छत्रपति शिवाजी महाराज, चाहे दामोदर सावरकर जी को लेकर, स्वातंत्र वीर दामोदर सावरकर जी के ऊपर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं लोग। मुझे लगता है कि सावरकर जी के जो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में उनकी जो भूमिका है वह करोड़ों लोगों को इंस्पायर करता है, वो देश के नौजवानों को प्रेरित करता है राष्ट्र समाज के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए। जैसा कि हमने दिल्ली के एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क शुक्ला और प्रदेश मंत्री हर्षवर्धन जी से, उन्होंने बताया कि किस तरीके से किसी अंशों में बदलाव करने से समग्रता में बदलाव नहीं होता, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी समग्रता को परोसने की कोशिश कर रहा है और जिस आरोप विपक्ष की तरफ इस तरफ लग रहे हैं, एक विशेषज्ञों की टीम ने इस तरीके के बदलाव किए हैं, इस पे सरकार को घेरे में लेना कोई भी तुक की बात नहीं है।